फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के ना हैंगिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन हैंग करता है तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप ऐसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर आपको प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करना है, आपका पेज आता है। इसमें आपको नीचे मैनेज एप्स एंड डिवाइस का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब आपको इस वाले पेज में ये अपडेट अवेलेबल के नीचे अगर ये सी डिटेल का ऑप्शन दिखाई देता है तो सी डिटेल पे टैप करना है, तो आपका पेज आता है। इस पेज में आपके मोबाइल फोन के वो सभी ऐप दिखाई देते हैं जो आपके अपडेट नहीं है, इन सभी ऐप को अपडेट करना है इस अपडेट ऑल पे टैप करके, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है, तो नीचे आपको सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस वाले पेज पे सिक्योरिटी अपडेट पे टैप करना है। अब आपको ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।